तो गाइस आई थिंक आप लोगों ने कल नारुतो देखा होगा, क्योंकि कल नारुतो को हिंदी में टेलीकास्ट किया गया दोबारा से सोनी ये पर, और उसकी टाइमिंग थी रात के 9 बजे। तो कमेंट में पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने देखा कि नहीं नारुतो कल, और अगर देखा तो डबिंग कैसी लगी यार, मतलब कि समझ में आया कुछ, मज़ा आया कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर नारुतो कैसा बना इस बार। तो सुनो ध्यान, तो बहुत टाइम हो गया था जब नारुतो नहीं आ रहा था टेलीविजन पे, मैं वेट कर रहा था कि अब आएगा हिंदी में, अब आएगा हिंदी में, अब आएगा हिंदी में, करते करते बहुत टाइम निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नारुतो को जैपनीज में देखना स्टार्ट कर दिया जाए। तो फिर मैंने देखा 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 देखते देखते 12 दिसंबर को मैंने लगभग नारुतो के 115 एपिसोड देख लिए, जी हाँ उसी दिन यानी कि कल को ही। जिसके बाद से मैंने नारुतो को देखा रात को 9 बजे हिंदी में, और मैं सच बताऊं तो मुझको डबिंग उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी की होनी चाहिए थी। पावर रेंजर देखा है कभी? हाँ, तो पावर रेंजर वाली डबिंग लग रही थी यार एकदम, हाँ एकदम पावर रेंजर वाली डबिंग लग रही थी। डबिंग तो यार बहुत ही ज़्यादा मस्त थी, बहुत ही ज़्यादा ओपी थी यार, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सही थी। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हुई थी तो वो थी वॉइस कास्टिंग। जी हाँ, वॉइस कास्टिंग बिल्कुल भी बेकार हुई थी। साकुरा के वॉइस पहले कुछ और थे और अभी चेंज कर दिया गया है। और मैं बताऊँ तो मैं एंड तक रुका रहा ये देखने के लिए कि ओरोचिमारू की वॉइस कैसी होगी हिंदी में। तो कोई ना, वो आगे दिखाया जाएगा कि ओरोचिमारू की आवाज़ कैसी है हिंदी में, बस आप लोग वेट करो। लेकिन मैं बताऊँ, अगर मैंने नारुतो की 115 एपिसोड जैपनीज में नहीं देखे होते ना, तो ये वाली हिंदी डबिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली थी मेरे लिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी देख रखा था इसलिए मेरे को उतना पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नारुतो को जैपनीज या फिर इंग्लिश में नहीं देखा है तो जाओ यार हिंदी में देखो, हिंदी में ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोग को। ओके okay?